अगर आज तू यहाँ से चला गया तो इंसानियत से सबका यकीन उठ जाएगा। इन सब की दुआएं तेरे साथ है चैतन्य, इसका नामो निशान मिटा दे। ए, ज़बान खींच लो इस औरत की। अपनी आंखों से अपने साम्राज्य को बर्बाद होता देखना, तेरी पाप की लंका को राख होता देखना, तेरा तो वो हाल करूंगा जगावर कि आज के बाद इस शहर में कोई गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस तक नहीं ले पाएगा, जिएगा भी तो मेरी मर्जी से। नायक चैतन्य नायक। हिम्मत कैसे हुई? सारे गांव वालों के सामने उसने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पर हाथ उठाया। उन्हीं गांव वालों के सामने उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई, वो अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री की तरफ रवाना हुआ है। कर पढ़ाई करना, कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। ठीक है भैया। इंस्टेंट कॉफी के जैसा ये इंस्टेंट हीरो बन गया। भैया, अगर वो जिंदा रहा तो हमें बर्बाद कर देगा, कुछ कीजिए ना। उसे मारने के सपने छोड़ दो भाई, वो कोई आम इंसान नहीं है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जो आप सबको राख बना सकता है। हर किसी की जिंदगी का वो नायक है, शहर का बच्चा बचाओ से भगवान की तरह पूछता है, यहाँ तक कि IAS, IPS, MLA सभी उसकी जंग में उसका साथ दे रहे हैं। अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो जलजला आ जाएगा। आज पूरे कोलकाता में बस नायक के ही चर्चे हैं। नायक ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बचाई है। इन्हें विदेशों में बेचा जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को भी वापस ले आए जिन्हें विदेश में बेच दिया गया था। मुझे लगा मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। उस फरिश्ते का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, उसके इस जंग में हम उसका साथ देंगे। वो बहुत बड़ा मसीहा है। पहली बार न्याय के लिए किसी ने हथियार उठाया है सर। मैं उस फरिश्ते से मिलना चाहती हूँ माँ। अब ये खतरे से बाहर है। इससे तो अच्छा होता वो हम दोनों को मार डालता। दिमाग खराब कर दिया है उसने।
दो मुझे। इतनी बेकदरी आज तक नहीं हुई, ऐसे नहीं जी सकता मैं। अब या तो वो जाएगा या हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, जाएगा तो वो। ये शहर ही नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़कर। शहर के मासूम लोगों को जगावर का डर दिखाकर लूटने वाले चोर उचक्के गुंडों को यहाँ हाजिर करो। शहर के हर मुजरिम को बुला लो, उनसे कहना नायक ने बुलाया है। सलाम भाई। ए, शहर के सारे छटे हुए बदमाश यहाँ मातम मनाने क्यों आए हैं? आप भी तो कचरा हो, बवंडर के सामने दुम हिलाते रहते हो। चैतन्य से मिलने क्यों आए? बवंडर जान गया तो? ए, लहर के साथ चल, आज नायक की लहर है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। समझा? फॉलो मी। बाहर क्यों खड़े हो, लड्डू बटने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा है बाहर खड़े रहो, जब बुलाएंगे तब अंदर जाना है। ओहो, एक एक को लड्डू खिलाएगा ताकि दूसरे को ये पता न चले कि उसके मुंह में कितना बड़ा लड्डू घुसेड़ा। सेटिंग तो ठीक है भाई, बस हमें धुलाई से डर लग रहा है। छोटे, तेरे बाद भाई का भी नंबर आने वाला है। चुप रहोगे? जैसे मास्क लगाकर सेफ हो जाते हैं वैसे मुस्कुराकर डर को भगाओ। ठीक है भाई। सलाम नायक भाई, हुजूर ने याद किया तो हम हाजिर हो गए। तू तो टाइम का पाबंद है, कुछ पीना चाहेगा? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। सेल्फी? यस, सेल्फी लेकर अपने इंस्टा पे डालूंगा। आपकी तरह मशहूर होना है मुझे। मैंने आज तक 100 मर्डर और 50 रेप किए हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं छोड़ा, कई औरतों को बेवा बनाया है, पर अफसोस कोई नहीं जानता मुझे। पर आपने सिर्फ एक मर्डर किया और शहर में वर्ल्ड फेमस हो गए। सिर्फ एक सेल्फी दे दो और शाम तक देखो 1 मिलियन फॉलोअर्स बनाकर करोड़ों कमा कर दिखा दूंगा। दोनों बांट लेंगे, सेल्फी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। करोड़ों कमा लोगे? ऐसा कैसे होगा? और 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे होंगे? ऐसे नहीं होंगे, उन लोगों की कोई कमी नहीं। वैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की? 800 करोड़ की। यानी गुंडों की इतनी कमाई हो जाती है? छे छे, ये तो बस रोकड़ा है, प्रॉपर्टी अलग। बस हाथ मिला लो, मैं तुम्हें देखते ही देखते करोड़ नहीं अरबपति बना दूंगा। दौलत, शोहरत सब तुम्हारे कदमों में होगी, पूरे शहर में बस तुम्हारी हुकूमत होगी। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, कोई भी लीगल काम के लिए 50-50 और इलीगल के लिए 60-40। डील? ऐसी डील कौन छोड़ सकता है? ऑफर में दम तो है, अंदर जाके पेपर साइन कर लो। अनपढ़ से लिखा पढ़ी करवा रहे हो? सलाम है नायक भाई, बताओ साइन करने कहाँ जाना है? रॉन्ग काम के लिए राइट में जाना है। चलो मैम, नायक भाई का पार्टनर। ये क्या? पुलिस, लॉयर, जज, रजिस्ट्रार, अरे अरे अरे, सारे सरकारी लोगों को नायक भाई ने पाल कर रखा है। लंबी रेस का घोड़ा है। सही कहा जनाब, भाई का भी नंबर आने वाला है। थम्स अप। जनाब साइन कहाँ करना है? पहले ये बताइए, ये प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ हाँ, मेरी है। ये भी, ये भी, ये भी, अरे ये भी, मैं इन्हें रोज देखता हूँ, वक्त बर्बाद मत करो। साइन कहाँ करना है बताओ? यहाँ साइन कर लीजिए। फौरन करता हूँ, पेन दो। भाई लगता है आपका नंबर आ गया, अब तो शहर पर हमारा राज होगा। सर, चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए। लाओ लाओ। नहीं तो चॉकलेट ही सही, मुंह तो मीठा करना है ना। मानना ही पड़ेगा, आप वाकई महान है सर। ऐसा क्या किया? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी यतीम खाने के नाम कर दी। चूना लगा दिया। मैंने प्रॉपर्टी कब दी? हार्ट अटैक मत दो। अजी कैसी बात कर रहे हैं जनाब, अभी अभी तो आपने साइन किया है, अब से आपकी सारी प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। नायक ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया, हाथ में पेन थमाकर मेरा सब कुछ लिखवा लिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन कर हाथ में कटोरा थमा दिया। ए! मेरा नाम है बिरजू, धोखेबाजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे आदमी वहाँ बाहर खड़े हैं, एक सीटी मारूंगा तो सब अंदर आ जाएंगे। ग्रैंड लग गया क्या मंगल, गुस्सा क्यों है? और क्या करूं, तुमने मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ली और मुझे 50 पैसे का चॉकलेट थमा दिया। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या आरती उतारूंगा तुम्हारी? नायक ने पकड़ा दिया कटोरा, इससे आगे तो मुझे भी नहीं आता। शायद यहाँ जो हो रहा है वो तो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, चल दूसरे कमरे में समझाता हूँ। मुझे कंगाल तो कर ही दिया, अब क्या कपड़े उतारोगे? ये मंगल तो मांगलिक निकला, इलाज करना पड़ेगा। चलो इस कमरे में भी आ गया, बोलो अब क्या कर। अरे तुम सब तो पहलवान हो, वो सबको धोखा दे रहा है और तुम सब यहाँ चुपचाप खड़े हो। उसने मुझे भी धोखा दिया, देखना वो तुम्हें भी धोखा देगा। मेरे साथ हो जाओ, मिलकर उसे हराते हैं। आज एक नहीं हुए तो हम कभी नहीं होंगे। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? भाई मेरी बाई आंख जोर जोर से फड़कने लगी है, लगता है आपका नंबर आ गया। जल्दी से सीटी बजा। सीटी उन्हें सुनाई नहीं देगी। पर क्यों? क्योंकि हमारे पास डीजे है। अरे इतनी जायदाद अगर कोई लूटने बैठे
तो सालों लग जाएंगे और इसने साइन करा के बेवकूफ बना दिया। जो पहले से बेवकूफ हो उसे क्या बनाना। इसने कपड़े नहीं उतारे, चमड़ी उधेड़ दी, धोबी की तरह धोया है, बेले के भैंस की तरह हमारी धुलाई की है। लो भाई मीठा खाओ। नामुराद हटा इसे। जब भी चॉकलेट देखूंगा मुझे प्रॉपर्टी याद आएगी। मम्मी गुफ्तगू हो गई भाई। गुफ्तगू भी और गुटरगू भी। अंदर कहीं हड्डी तोड़ने का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है। वो क्यों हड्डी तोड़ेगा, हमने गुनाह किया है क्या। अच्छा हुआ ले दे के आपने मामला सुलटा लिया। उसने मामला सुलटा दिया और हमने उसके कहने पर साइन कर दिए। और पता है साइन करने पर हमें चॉकलेट भी मिला, वो भी टेस्टी। अगर बुरा ना माने तो आपका चॉकलेट मैं खा सकता हूँ। चॉकलेट तो तुम जरूर खा सकते हो पर पहले साइन करनी होगी। मैं तो पेन घर पे भूल गया। फिकर नॉट, सिर्फ पेन नहीं पेपर चॉकलेट सब मिलेगा। अंदर जाओ। सलाम नायक भाई। आओ राजू भाई। चीटिंग फॉर्जरी नकली पासपोर्ट हो या फिर कोर्ट का स्टैम्प बनवाना, ये डुप्लीकेट के धंधे में बहुत माल छापा है तूने। नायक भाई ये इतने माहिर है कि आपके भी नकली साइन कर सकते हैं। चुप कर, भाई का साइन मार के मरना क्या। आपकी सेवा में गुलाम हाजिर है जनाब। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। भाई सुना है आप चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है भाई। चॉकलेट अंदर रखा है, जाओ और ले लो। हाँ ठीक है भाई, वैसे दो चार चॉकलेट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना। जितने चाहो लो, पर चॉकलेट खाने के बाद उसे हजम भी करना होगा। अब तक तो मोटे को चॉकलेट मिल गया होगा ना। आप महान हैं, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी यतीम खाने के नाम कर दी। अबे ये क्या बकवास कर रहा है, यहाँ मैं मामला सुलटाने आया हूँ, खुद को लुटाने के लिए नहीं। भाई डीजे फिर से शुरू हो गया। लगता है स्पीकर की साउंड पर वो भी ताता थैया कर रहा है। हम तो अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आ गए पर लगता है ये टावर तो वहाँ बीच में ही ढह जाएगा। कमीनो तुम दोनों को कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हाय रे कुत्ते की तरह धोया है। हाँ तो बाहर जितने खड़े हैं उन्हें तुम दफा कर दो। बिल्कुल नहीं, उनके भी हड्डी टूटनी चाहिए। मैंने भी यही सोचा था जब तुम बाहर थे। प्रसाद सभी में बराबर बंटना चाहिए। अब मेरी बारी। अंदर जाके डील पूरी करने के बजाय तुम लोग बैठ के चॉकलेट चबा रहे हो। डील पूरी हो चुकी है तभी तो चॉकलेट चबा रहे हैं। अब तुम भी वक्त बर्बाद मत करो, अंदर जाओ, पेपर साइन करो, चॉकलेट लो और बाहर आओ। मुहूर्त बहुत अच्छा है। अरे बकासुर, इतनी धुलाई के बाद भी ये लोग अपने पैरों पर चलकर आ रहे हैं। इनको लात खाता देख तसल्ली मिली मुझे। ज्यादा खुश मत हो वरना और मोटा हो जाएगा। अरे हाय, चॉकलेट के बारे में तो बताया लेकिन लात घूसों के बारे में कौन बताएगा। बता देता तो तू अंदर जाता। मार डाला रे। आजा मेरे राजा। क्या हुआ, लोले क्यों पड़े हो, देख के लग रहा है सांप सूंघ गया है। किसी ने पुंगी तो नहीं बजाई। वो पुंगी क्या बजाएंगे, वो तो सबको चॉकलेट खिला रहे हैं। हमने तो खा ली, अब तुम्हारी बारी है। अंदर जाओ, पेपर साइन करो और चॉकलेट खाओ, फिर यहाँ बैठकर हजम करो। ना बाबा ना, यहाँ जरूर कोई झोल है, मैं तो निकलता हूँ। रोको, कोई बचने ना पाए। चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। पकड़ लिया ना, ले जाके इन सब की तबीयत से धुलाई करना। खुशी मिली ना, अपनी तरक्की से भी दूसरों की बर्बादी में ज्यादा खुशी मिलती है। आई लव यू राजा। ए, सबने चॉकलेट खा लिया या आप भी कोई बाकी है। अगर कोई है तो उसे भी बुला लो, बच के जाना नहीं चाहिए। ए, भाई जी सबको बुला रहे हैं। कैसे आएंगे, साइन करके हाथ टूट चुका है, मार खाकर टांग टूट चुकी है। अब क्या उठकर कब्रिस्तान जाएं? हमें घर जाने दो। अंदर जा रहा है कि भाई जी को बुलाऊं? उसे मत बुलाना, हम एक दूसरे के सहारे पर पहुँचते हैं। अरे रे, हमारे पास जो कुछ भी था वो सब तो ले लिया, अब हमें जाने दो। सुन लो, तुम लोग इस शहर में जो भी काला धंधा स्कैम स्कीम चला रहे थे उसे आज के बाद बंद करना होगा। गांव का टिकट निकालो और कट लो। हमें 15 दिन की मोहलत दो, हम 2 महीने में चले जाएंगे। मैं किसी को मोहलत नहीं देता, मैं सीधे मौत देता हूँ।